यूपी स्कॉलरशिप अपडेट्स में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अभिषेक चौहान हूँ। और भाई चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड के बारे में बात करेंगे, माइनॉरिटी के बारे में बात करेंगे, वेरीफाई नहीं हुआ पेंडिंग हो गया उसके बारे में बात करेंगे, ब्लैंक हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे टॉपिक हैं जिनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात आती है डीएलएड की, तो भाई मयंक चौहान जी डीएलएड के बारे में मैं आपको बता दूँ, तो डीएलएड का तो ये हो रहा है सीन सारा का सारा कि स्कॉलरशिप कुछ बच्चे हैं, कुछ कोर्सेज़ हैं जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आई। जैसे बीएड की बात करें, बीएड फर्स्ट ईयर, बीएड सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की स्कॉलरशिप आई है, नहीं बीएड सेकंड ईयर की आई है पर इसकी स्कॉलरशिप नहीं आई बीएड फर्स्ट ईयर की, ठीक है। दूसरा डीएलएड की स्कॉलरशिप का कुछ अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते आप कि भाई आई नहीं आई क्या रहा। पहले तो आई ही नहीं क्योंकि ये एक प्रोफेशनल, जितने भी प्रोफेशनल कोर्स थे, ठीक है, जैसे बीबीए बीसीए और ये सारी चीज़ें थी, इनमें क्या हुआ, इनको मिली है स्कॉलरशिप की दूसरी इंस्टॉलमेंट, ठीक है। जो कहते हैं कि भाई मुझे स्कॉलरशिप की दूसरी इंस्टॉलमेंट नहीं मिली, क्या होगा, मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उनको मैं सिंपल सी बात बता दूँ, जितने डीएलएड वाले हैं ना भाई, डीएलएड वालों को तो मैं कहता नहीं कि स्कॉलरशिप उनकी आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि कोर्स ही शायद लिस्ट से बाहर निकाल दिया अगर आनी होती तो। तो चलिए भाई अब बात कर लेते हैं जिनका स्कॉलरशिप का स्टेटस जो है या तो ब्लैंक शो कर रहा है या पेंडिंग शो कर रहा है। सबसे पहले ले लूँ ब्लैंक वालों की, ठीक है। तो ब्लैंक वालों का क्या रहा कि भाई जितने भी मेरे भाई ऐसे हैं जिनका स्टेटस शो कर रहा है ब्लैंक, तो मैं उन सभी को बता दूँ कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, ऐसा हो कि अगर ब्लैंक शो कर रहा है तो वो एक वेबसाइट का बग था। और जो मैंने पूछा कि भाई ये वेबसाइट में बग तो नहीं आया जिसकी वजह से भाई अभी तक अपडेट नहीं हुआ स्टेटस, तो उनका बताना सिंपल सा ये था, मतलब ये ही बताना रहा उनका कि भाई स्टेटस बग बुग तो कुछ नहीं है, अभी जो है ना दूसरी तैयारी चल गई दूसरी स्कॉलरशिप की, कि अब दूसरी स्कॉलरशिप जो है वो आना शुरू हो जाएगी। कोयल बोल रही है पीछे, जो सत्र बैठ रहा ना ये 2021-22, तो इसकी स्कॉलरशिप के लिए अब जो है मेहनत करी जाएगी, अब उसकी स्कॉलरशिप जो है, इसीलिए बताया कि अगर बग होता तो निकल जाता, और अगर बैकग्राउंड नॉइस आ रही हो तो भाई आप समझ सकते हो कि फ़ोन से ही वीडियो बना रहा, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करा दूं। और दूसरी बात ये कि नेगेटिव सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है माइनॉरिटी वालों, माइनॉरिटी के लिए, तो माइनॉरिटी का क्या है, अभी आऊँगा बाबा जी रुक जाओ, तो माइनॉरिटी का क्या है कि माइनॉरिटी वाले, एक बार रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप एक बार समाज कल्याण विभाग एक बार चले जाओ, और पोजीशन तो ये आ रही कि लॉकडाउन ना लग जा, तो भाई तुम सिंपल सा एक काम कर लो, 1076 पे कॉल कर लो, अभी कर लो चाहे थोड़ी देर बाद कर लियो, 1076 पे कॉल करके उन्हें कह दो कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम जो है वो चल रही है और हमारी स्कॉलरशिप क्यों नहीं आ रही, दोस्त है सब उनकी आ गई और मतलब सारी स्कॉलरशिप सबको मिल रही है, हमें क्यों नहीं मिल रही, भाई ये भेदभाव क्यों कर रही है सरकार। तो आप अगर ये बात करोगे तो शायद आपकी कोई मदद जो है वो कर दी जाएगी। और एक और दो टॉपिक बच रहे थे, एक टॉपिक था हाँ पेंडिंग वालों का, तो भाई जिनका पेंडिंग था वो अगले साल ट्राई करें, क्योंकि पेंडिंग वालों की इस साल तो स्कॉलरशिप जो है वो ना के बराबर ही है कि भाई आपकी स्कॉलरशिप आए या ना आए, वो तो पक्का नहीं कह सकते, क्योंकि आएगी तो अब नहीं आएगी यार, आपको भकाने वाली कोई बात नहीं है, अभी तक अगर नहीं आई तो अब स्कॉलरशिप आपकी नहीं आएगी। चलिए कल मिलता हूँ आपको किसी वीडियो में, और अगर कल न्यूज़ हुई कोई अच्छी सी तो आपको ज़रूर दूंगा, और नहीं तो भाई आपके कमेंट के जो रिप्लाई जो मैं करता ही हूँ वो कर दूंगा। तब तक के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो आप। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।